गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज बहुत दिनों बाद आप लोगों के साथ मैं एक वीडियो लेके आया हूँ। आप देख सकते हो पीछे फिलहाल मेरी 220 है, इसमें और एक मॉडिफिकेशन करके रखा हो। तो कितने खर्चे में मॉडिफिकेशन हुआ और किस तरह से आप भी कर सकते हो आपको वीडियो में पता चल जाएगा। पहले आप अनबॉक्सिंग वीडियो देख लीजिए कौन सा प्रोडक्ट का मैंने फिलहाल अपनी 220 पे इंस्टॉल किया। तो चलिए फिलहाल देख लेते हैं कौन सा प्रोडक्ट है। तो फ्रेंड्स ये वाला प्रोडक्ट मैंने अमेज़ोन से परचेज़ किया और इसका जो कॉस्ट पड़ा मुझे 599 रुपी, यानी कि 600 रुपी। इसमें आपको बहुत सारी कलर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो मैंने रेड कलर का ख़रीदा और क्वालिटी की कोई बात ही नहीं, बहुत बढ़िया क्वालिटी है। तो इधर पे जो 3 ब्लैक कलर का जो सॉकेट है उसका क्या इस्तेमाल होगा बाद में आपको वीडियो में पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स अभी इसको इंस्टॉल करेंगे, तो वीडियो में बने रहना गाइस। तो फ्रेंड्स हमारे जो हैंडल रहता है इसको खोलने के लिए आपको 5 नंबर की एलिंकी बोल्ट चाहिए। अगर घर पे कर रहे हो तो मैं बता रहा हूँ, नहीं तो आप दुकान से भी आसानी से कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। तो बाराकुडा का जो प्रोडक्ट है यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, किसी भी बाइक पर आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। तो 220 में आप देख सकते हो इधर पर जो रबर का जो बूश रहता है इसको ज़रूरत नहीं है, आप देख सकते हो हमने इसको हटा दिया। तो आप भी इसको हटा कर ही इंस्टॉल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आपका जो राइट हैंड की तरफ जो रहता है वही असली, उस पर ही मेहनत करना पड़ेगा आपको। आप देख सकते हो जो स्टॉक वाला कुछ ऐसा है, इस पर एक्सेलेटर केबल इंस्टॉल होगा। तो इसके लिए आपको कौन से वाला शॉकट चाहिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। जो देख सकते हो पहले वाला जो 2 होल वाला है उससे ही 220 में आसानी से इसको एडजस्ट किया जा सकता है। देख सकते हो बहुत आसानी से आप भी इसको घर पे भी कर सकते हो या फिर कोई मैकेनिक के पास ले जाइए, आसानी से हो जाएगा। राइट तरफ में आपको रबर बुश की ज़रूरत पड़ सकती है, देख सकते हो मैंने रबर बुश को बीच से आधा कर लिया, फिर जाके एलिंकी की मदद से इसको इंस्टॉल कंप्लीट हो गया। गाइज आप देख सकते हो जो मैंने बारकुडा का जो हैंडल ग्रिप लिया है बहुत अच्छा है, और आप राइड करोगे तो कॉन्फिडेंस कुछ ज़्यादा मिलेगा। बहुत ही पतला सा है और चलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है और पकड़ने में भी बहुत बढ़िया लग रहा है। मैंने राइड भी किया, वीडियो शेयर भी किया, तो पीछे से लुक कुछ ऐसा लग रहा है। पीछे देख सकते हो जो भी हमने इंस्टॉल करके रखा है हैंडल ग्रिप जो बारकुडा का है, तो कैसा लग रहा है गाइज प्लीज़ कमेंट करना। गाइज मुझे तो चलाने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा फील आ रहा है, और क्या ही बताओ कॉर्नरिंग वगैरह में बहुत ही अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ही पतला सा है। तो आप भी खरीद सकते हो, बेस्ट प्रोडक्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइज। तो गाइज आज की वीडियो सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह टॉपिक लेके, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।